वहीं राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को वर्मी कंपोस्ट खाद लेने की बाध्यता समाप्त करने एवं किसान हित के अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा किसान मोर्चा जिला भिलाई के आह्वान पर कुम्हारी धान मंडी परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा किसान मोर्चा जिला भिलाई अध्यक्ष निश्चय वाजपेयी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विगत 3.5 वर्षों से किसान विरोधी नीतियां चलाई जा रही है और प्रदेश में किसान अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर परेशान हैं। एक ओर केंद्र की मोदी सरकार किसानों को यूरिया खाद 625 रुपए प्रति क्विंटल उपलब्ध करा रही है, तो वहीं प्रदेश की भूपेश सरकार किसानों को अमानक और स्तरहीन खाद प्रति एकड़ 3 बोरी 1000 रुपए क्विंटल लेने के लिए बाध्य कर किसानों को लूटने का काम कर रही है, जिससे प्रदेश के किसानों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है एवं किसान आगामी सीजन में खेती कर पाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। अमानक वर्मी कंपोस्ट खाद की बाध्यता से प्रदेश भर के किसानों की गाढ़ी कमाई गोबर के साथ मिट्टी में मिल जाएगी, जिसमें किसानों को अनुमानित 700 करोड़ रुपए की क्षति हो सकती है। जिलाध्यक्ष ने उपस्थित किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि इस किसान विरोधी नीतियों का जमकर विरोध करने आगे आए। जो ये भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों को जबरदस्ती वर्मी कंपोस्ट बेच रही है, वो दरअसल मिट्टी मिला हुआ गोबर है और गोबर है भी कि नहीं, बहुत ही अमानक खाद है। कुल मिलाकर के उनका सिद्धांत है एकड़ पीछे 1000 रुपये किसान की जेब से निकाल लेना है। जो सवा साल में ये देते हैं तो उसमें से करीब करीब 250 रुपये की कालाबाजारी के माध्यम से किसान के जेब से कुंटल पीछे पैसा निकाल लेते हैं। ये रासायनिक खाद में बारदाने में 35-40 रुपये में बारदाना खरीदता है किसान, 40 किलो का बारदाना, 100 किलो का बारदाना 100 रुपये में पड़ता है, 100 रुपये वैसे निकाल लेते हैं। और ये जो अभी गोबर में पैसा लेना चालू किए हैं मिट्टी मिला वर्मी कंपोस्ट के नाम पर 1000 रुपये, उससे करीब किसान को 75-80 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ जो 1 से 2 महीने की जो देर से खरीदी हो रही है उसमें जो सूखत आती है किसानों की वो 5 से 7% आती है, जिसमें लगभग 125 रुपये का नुकसान होता है। कुल मिला के भूपेश बघेल जी जितना पैसा दे रहे हैं वो खुद अपनी जेब में वापस डाल ले रहे हैं और उस पैसे को देते सवा साल में है और लेते तुरंत हैं। और इसका विरोध करने के लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के साथी यहाँ आए हैं और किसान हित की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें वर्मी कंपोस्ट की जबरन बिक्री इनको बंद करना चाहिए, बकाया बोनस देना चाहिए, एक मुश्त बोनस दिया जाना चाहिए और ये जितने भी प्रकार की कालाबाजारी है बारदाने की और रासायनिक खाद की, इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए इसकी कालाबाजारी बंद होनी चाहिए और ये पूरे जो सांठगांठ है भूपेश बघेल सरकार की कालाबाजारी वालों से ये बंद होना चाहिए। भाजपा किसान मोर्चा जिला भिलाई अध्यक्ष निश्चय वाजपेयी के नेतृत्व में किसान मोर्चा के सदस्यों के द्वारा मांगों के निराकरण करने राज्य सरकार को निर्देशित करने के संबंध में मांग पत्र का ज्ञापन राज्यपाल के नाम सेवा सहकारी समिति कुम्हारी प्रबंधक आर एस चंदेल को सौंपा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।